नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कश्मीर में आतंकियों की ढाल और विरोध का हथियार बन चुके पत्थरबाज पर आज न्यूज 18 इंडिया बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे पास यानी आपके फेवरेट चैनल न्यूज 18 इंडिया के पास पत्थरबाजों पर तैयार NIA की 110 पन्नों की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पत्थरबाज, हुर्रियत के नेता और आतंकियों की इस तिकड़ी को पत्थर बरसाने के लिए कहां से रुपए मिल रहे हैं और इसका बंटवारा किस तरीके से किया जाता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि सुरक्षा बल के जो जवान बाढ़ में कश्मीरियों की जान बचाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, आतंकी हमलों के वक्त अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, जो आम कश्मीरियों की जान बचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, साजिश के तहत चंद गद्दार उन पर किस तरीके से पत्थर बरसाते हैं। इसी साल फरवरी तक पत्थरबाजी की चपेट में आने से 6000 से ज्यादा जवान घायल हो चुके हैं, इनमें से करीब 700 तो विकलांग भी हुए हैं। पत्थरबाजों का गैंग चलाने वाले ऐसे ही 48 आरोपियों में से 22 को आज NIA ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हम तो पूछेंगे कि क्या पत्थरबाजों को बढ़ावा देने में भारत विरोधी ताकतों का हाथ है। सवाल नंबर दो जो आज हम पूछेंगे कि क्या हुर्रियत और पाक परस्त आतंकी पत्थरबाज ब्रिगेड के सबसे बड़े खैरख्वाह हैं। और सवाल नंबर तीन जो आज हम पूछेंगे कि क्या PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पत्थरबाजों को बचाकर भारत विरोधी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इनके नेता लगातार पत्थरबाजों के हौसले बढ़ाने वाले बयान देते हैं। तो आज का डिबेट, पत्थर उठाओगे तो गोली खाओगे, हैशटैग है ऑपरेशन पत्थरबाज। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और उसके बाद बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। हम तो पूछेंगे में आज बड़ा खुलासा, ऑपरेशन पत्थरबाज। हम तो पूछेंगे में आज बेनकाब होगी राक्षसों की त्रिमूर्ति, 48 पत्थरबाज। पाक परस्त आतंकी संगठनों और हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत पर सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन पत्थरबाज। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, पत्थर उठाओगे तो गोली खाओगे। पत्थरबाजों के साथ कोई समझौता नहीं। पत्थरबाज अगर सेना पर पत्थर फेंकेंगे, आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, तो वो कभी भारत का नागरिक, कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान का समर्थक हो सकता है। इस गुस्से की वजह है जब सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को दबोचते हैं तो ये पत्थरबाज उनकी ढाल और तलवार बनकर सामने आ जाते हैं। जब बुरहान घेरा गया तब यही हुआ। जब बशीर लश्करी मारा गया तब यही हुआ। जब अबू दुजाना पर शिकंजा कसा तब भी यही हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन घटनाओं में शामिल होने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो सामने आए 48 अहम चेहरे। वो 48 चेहरे जो पत्थरबाजी की ज्यादातर वारदात में शामिल थे। पत्थरबाजों पर NIA ने जो 110 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है उसकी कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक एक कर सबकी पहचान कर, सबके फोन नंबर तलाश कर, सबके फेसबुक प्रोफाइल को खंगाला गया। इससे देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों की खतरनाक तिकड़ी सामने आई। 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जो एक तरह से पत्थरबाज का गैंग चलाते थे, सब खुलासे हो गए हैं। अब उनमें दहशत है, इसीलिए हुर्रियत ऐसे सब कारनामे कर रहे हैं। इसे कश्मीर की जनता समर्थन नहीं दे। जिन पत्थरबाजों की पहचान की गई है उनमें से ज्यादातर कम से कम 8 वारदात में तो मौजूद थे, यानी इनका धंधा ही पत्थरबाजी है।
इनके कॉल डिटेल्स इन्हें हुर्रियत नेताओं से जुड़ा बताते हैं। इन्हें पत्थरबाजी के एवज में 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक मिलते हैं। ये पैसे सीमा पार के आतंकी संगठनों के जरिए हवाला से हुर्रियत के बड़े नेताओं के पास आते हैं और फिर छोटे नेताओं के जरिए पत्थरबाजों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्थरबाजों के फेसबुक प्रोफाइल पर उनका पेशा पत्थरबाजी, इनका प्रेम पाकिस्तान और इन्हें आतंकियों का मददगार साबित करता है। फेसबुक प्रोफाइल पत्थरबाजों को मिली हुर्रियत नेताओं की सरपरस्ती की भी चुगली करता है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई तय। बिना पहचान के थोड़ी कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, आंखें खुली है, बार 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 वही 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 पत्थरबाज सामने आ रहे हैं, तो सामने आ गई बातें, स्पष्ट हो गया है। वो छुपा थोड़ी है, सब हम बोल के काम कर रहे हैं। कल अबू दुजाना के एनकाउंटर के वक्त पत्थरबाजी करने वाला एक शख्स तो मारा गया, लेकिन सियासत अब उनकी ढाल बन रहा है। उस बच्चे को क्यों मार दिया? आज एक और मार दिया, कल एक मार दिया, कब तक बच्चों को मारते जाओगे आप? फारूक जिन्हें बच्चे कह रहे हैं, ये हथियारबंद जवानों से नहीं डरते, उन पर सरेआम हमला कर देते हैं। ये सब इसलिए ताकि इंसानियत के दुश्मन आतंकियों पर सुरक्षा बल का शिकंजा कमजोर पड़ जाए। हम तो पूछेंगे कि क्या कश्मीर में जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को आतंकी माना जाए? इस सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान लगातार इंतजार रहेगा। आज का हमारा सवाल है कि क्या कश्मीर में जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को आतंकी माना जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए, तो 5188 पर अपने जवाब हमको SMS करें। ट्विटर और फेसबुक पर भी आपकी राय का मुझे इंतजार है। #HTP और आज का #hashtag है ऑपरेशन पत्थरबाज। इस NIA की 110 पन्नों की रिपोर्ट पे ये पूरी डिबेट आधारित है। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बारी बारी से मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। यहाँ स्टूडियो में सुशील पंडित जी हैं, जो रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था के सह संस्थापक हैं, विस्थापित हिंदू हैं कश्मीर से। साथ में ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और जो लोग कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। श्रीनगर से इरफान हफीज लोन, वकील हैं पेशे से और जमकर कश्मीरियों की और अलगाववादियों की तरफ से बात करते हैं। शबनम लोन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप भी पेशे से वकील हैं और कश्मीरियों की रूह को समझती हैं, ऐसा आपका दावा है, आप भी कश्मीर की आवाज़ कहती हैं। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा कैप्टन अनिल गौर हैं जो PDP के प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे साथ इस डिबेट में गौरव भाटिया भी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं शबनम लोन आपसे करना चाहूँगा। शबनम लोन, ये जो NIA की रिपोर्ट है जिसमें 48 स्टोन पेल्टर्स को, पत्थरबाजों को ढूंढा गया है, समझा गया है, ऐसा लगता है कि कोई कॉरपोरेट टास्क दिया गया है इन पत्थरबाजों को, जैसे टारगेट देते ना कि आपको अपना बिजनेस इतना करके लाना है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि एक व्यक्ति एक फोन नंबर 7, 8, 9, 10 इंसिडेंट पर मौजूद है और वो पत्थरबाजी करता है जैसे प्रोफेशनल पत्थरबाज हो। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए शबनम लोन? इनको कश्मीरी मानकर माफ कर देना चाहिए या इनको आतंकी मानकर गोली मार देनी चाहिए? सबसे पहले अवस्थी जी, जब आप खुलासा कर रहे थे तो आप बार बार यही कह रहे थे कि हमारे सुरक्षा बलों पर इन्होंने पत्थर मारा। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, कश्मीर में सिर्फ सुरक्षा बल नहीं रहते हैं, कश्मीर में बहुत लोग और रहते हैं, कश्मीरी रहते हैं, हमारी माएं बहनें हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं सड़कों पर ये भी रहते हैं। यहां पे इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अब मैं आपको एक शबनम जी आप आगे बढ़े उसके पहले क्लियर करिए। जब ये लड़के पत्थर चलाते हैं तो कश्मीर में रहने वाली मां बहनों पर भी चलाते हैं क्या? आपने कभी पत्थर खाया आज तक? अवस्थी जी, आप तो ना पर्सनल हो जाए। BJP वालों का तो एक ये प्रोपेगेंडा है कि मैं आऊं या और कोई कश्मीरी आए उसको कहते हैं तुम गद्दार हो, तुम पहले बताओ हिंदुस्तानी हो। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये चोर मुसेरे भाई मेरे सवाल के जवाब, मेरे सवाल के जवाब जो आपने अपने जवाब में कहा, आपने अपने जवाब में कहा कश्मीर में और लोग भी रहते हैं,
अगर वहां पर आर्मी ऑपरेशन कर रही है, किसी मिलिटेंट को, किसी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रही है, उसको खत्म कर रही है, तो क्यों पत्थर चलाना? जब अबू दुजाना जैसा दुर्दांत आतंकवादी उसको मारा जा रहा है तो वहां पत्थरबाजी होने की क्या जरूरत है? सुनिए, ये बच्चे जो हैं, जो बच्चे पंडित एग्जॉडस के बाद पैदा हुए, 15-16 साल का लड़का तो बच्चा ही कहलाएगा ना, 14 साल का नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। देशद्रोही आपकी मंशा पर डिपेंड करता है। अगर 15-16 साल का बच्चा निर्भया जैसा गैंगरेप होता है तो हम उसको 302 में सजा दिलाते हैं, जेल में तिहाड़ में, हम उसको आतंकवादी, हम उसको देश के साथ नहीं रखते हैं। आप इन पत्थरबाजों को जो आर्मी पर पत्थर चला रहे हैं, इनको आप ये कह रही बच्चे हैं, तो आप में और फारूक अब्दुल्ला में और महबूबा मुफ्ती में क्या अंतर रहा? मैं सुनिए, मैं बिल्कुल कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी, उन बच्चों ने मौत, सिक्योरिटी फोर्सेस, बम, बारूद, गोली के बगैर कुछ नहीं देखा है जिंदगी में, यही देखा है। नहीं, ये यहाँ पर फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो वो आज तक यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए। ये जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, वो कन्वीनियंस के तौर हुई हैं, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। शबनम जी, गौरव भाटी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपको बताऊं, जब इन पत्थरबाजों पर एक्शन होता है तो आप जैसे लोग शील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं कि पैलेट गन हटाइए, इनकी आंखें खराब हो रही हैं, इनके चेहरे खराब हो रहे हैं। अरे क्या होना चाहिए लोगों के साथ? पैलेट गन से बड़ी गन होनी चाहिए। गौरव भाटिया, आपको जो मर्जी, अगर आप चाहते हैं इनको जिंदा जलाने के लिए, भाई साहब, मैम हम नहीं चाहते जलाना, मैम हम जलाना नहीं चाहते हैं, पर ये जो हरकतें कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। नहीं, इनकी हरकतें ऐसी हैं, जब ये अबू दुजाना को बचाएंगे तो गोली तो खाएंगे। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, सरकार पर हमला किया शबनम लोन ने। देखिए शबनम जी सही कह रही हैं, हम लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। हम लोग इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद कोई विचारधारा है। शबनम जी से मैं केवल चर्चा के शुरुआत में ही इतना पूछना चाहूंगी, वो तो एक वकील भी हैं और वकील तो संविधान में पूरी आस्था रखता है। वो आपके चैनल में जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दर्शकों को जरूर बताएं क्या वो ये मानती हैं संविधान के तहत कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, दूसरा कि उन्हें गर्व है कि वो एक हिंदुस्तानी है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि देखिए, कुछ दिनों में जो अभी कार्रवाई हो रही है सुमित जी, हमने देखा कैसे सेपरेटिस्ट जो हैं उनको जेल में डाला गया। ये वो सेपरेटिस्ट हैं जो इससे पहले यूपीए की सरकार में दामाद जैसा व्यवहार पाते थे कांग्रेस से। इनको रुपए दिए जाते थे, इनका मेडिकल इलाज कराया जाता था, इनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाती थी। और अब जब हमने आतंकवाद पे कड़ा प्रहार कर दिया है, 106 मिलिटेंट इस साल मारे गए हैं, सेपरेटिस्ट आप चुप हो जाइए, शबनम जी आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। सुनिए, आप वकील हैं और वकालत में सबसे पहली सीख ये होती है कि दोनों वकील एक साथ नहीं बोलते। आप पहले मेरी बात सुनेंगी, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, ये गलत बात है। आप अपनी, आपको मौका मिलेगा, जनता तय कर लेगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं झूठ बोल रहा है। मेरे को तो शर्म आती है तब आप पे और सारे जो सेपरेटिस्ट हैं, जब अयूब पंडित के लिए आप लोगों की आंखें नम नहीं होती हैं और बुरहान वानी के लिए आप पूरा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल देते हैं। देश की जनता का हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा है, देश की जनता का हीरो मेजर गोगोई है, देश की जनता का हीरो मेजर गोगोई को भी अपना मानते हैं और शबनम लोन को भी मानते हैं और अयूब पंडित को भी मानते हैं शबनम लोन। दिक्कत आप लोगों के साथ है कि आप सुमित अवस्थी को अपने साथ नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है, इरफान हफीज लोन, नहीं नहीं, इरफान हफीज लोन आप कल नाराज होकर डिबेट से चले गए ये कहते हुए कि आपको मौका नहीं मिला। इरफान हफीज लोन, मुझे आप समझाइए इस बात को कि जो लोग सुरक्षा बलों के कामकाज में व्यवधान पैदा करें, रुकावट पैदा करें, आतंकवादियों को बचाएं, उनके साथ सेना क्या करे? उनको सर पे बिठाए, उनके साथ, उनको अपने साथ खाना खिलाए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना चाहिए कि 1947 में हमने जब इल्हाक हिंदुस्तान के साथ किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र में ले लिया और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसमें जाइए,
या 1752 में जाइए। प्लीज मुझे सुशील जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर आप बताइए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सुमित जी इन्हें बोलिए कि ये इंटरप्ट ना करे, मुझे बोलने दीजिए। इरफान भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पुराना इरफान भाई शुरू कर, हम 2017 में है, मैं 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ थोड़ा अबू दुजाना को बचाने के लिए भीड़ आती है और एक बच्चा मारा गया तो उसके लिए आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए वो मानता है वो बच्चा क्यों माना जाए पहली बात। उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत के दायरे में हम कश्मीर समस्या का समाधान करना चाहेंगे, और आप भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है उन्होंने अहिंसा को, उन्होंने कश्मीरी लोग जनाब अहिंसा आप कहां मान रहे हैं, विश्वास रखने वाले आप अहिंसा कहां मान रहे हैं, आपने कभी वार्ता को मौका दिया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज यहां पर कश्मीरी लोग मजबूर होते हैं बंदूक उठाने के लिए, और यहां पर कश्मीरी लोग कहते हैं कितने बुरान मारोगे, घर घर से बुरान निकलेगा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा छोड़ दो। मेरे जैसे लोग जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, नहीं तकरीर शुरू कर दी। इरफान लोन ये गांधी का देश है, हमें भी इरफान लोन ये गांधी का देश है, इरफान लोन ऐसे काम नहीं होता। मैं विश्वास रखता हूँ गांधी के देश में, इरफान लोन मेरे जैसे लोग बहुत मुट्ठी भर लोग थे जो भारत गांधी आइडिया, इरफान भाई आपके आपके वालिद का भी मेरे साथ मेरे ख्याल से इंतकाल हुआ जिनको गरीब हुआ था, इरफान हफीज लोन आपकी गलत पॉलिसी है, इरफान हफीज लोन आपके वालिद के साथ क्या हुआ था, इरफान हफीज लोन आपके वालिद के साथ क्या हुआ था, आपके फादर के साथ क्या हुआ था इरफान हफीज लोन, बताइए भारत की जनता को, हमारे दर्शकों को बताइए, इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन आपके फादर के साथ क्या हुआ था, आपके फादर के साथ क्या हुआ था इरफान हफीज लोन, बताना चाहेंगे आप, बताना चाहेंगे आप। पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला कहते हैं इरफान हफीज लोन, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, इरफान हफीज लोन मैं मजबूरी समझता हूँ, आपको श्रीनगर में रहना है तो हुरियत हुरियत कहना है, वो हुरियत जो पत्थरबाजों को आगे बढ़ा रही है, आई एम सॉरी इरफान हफीज लोन, कश्मीर का पेश करते हैं इरफान हफीज लोन और शबनम लोन, आप लोग ऐसे लोगों को बचा रहे हैं इस पूरे डिबेट में, इस पूरे हालात में जो प्रॉब्लम को और एंड्स बना रहे हैं और उलझा रहे हैं हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान की बात हो पाकिस्तान से कर रही है इरफान हफीज लोन, पहाड़ा पढ़ लिया मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। आज का डिबेट पत्थरबाजों पर चल रहा है, क्या कश्मीर में जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को आतंकी माना जाना चाहिए, हाँ कहने वाले एसएमएस पोल में 97% लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, उनकी राय है ये, और ट्विटर पर जो लोग जवाब दे रहे हैं उनमें 92% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि जो पत्थर बरसा रहे हैं सेना पर वो आतंकी माने जाएं। बीडी मिश्रा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपने सुना ब्रेक के पहले इरफान हफीज लोन को और शबनम लोन को, दोनों एक सुर में उन लोगों को बच्चे कह रहे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, क्या वो बच्चे हैं? सुमित जी, जितने लोग आपके पैनल पर आते हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ईमान हो, ईमान या जुर्माना क्या नाम है उनका ये नहीं पता, चाहे ईमान या जुर्माना हो, चाहे कादरी हो, ये लोग 97% लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आतंकवादी पत्थर फेंकने वाले हैं, उनको डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। और ये सिर्फ भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो ये बर्दाश्त कर रहा है, 70 साल से बर्दाश्त कर रहा है, और मुझे पता नहीं कब तक बर्दाश्त करेगा। ये चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कर लो जो मर्जी कर लो, हम पत्थर फेंकेंगे, ये इसका मकसद है। और ये शुरू 1947 से करते हैं और आज तक अपने जस्टिफाई करते हैं, और पूरे भारत केवल तुम चुप रहो, लोग तुम चुप रहो, लोग तुम चुप रहो, लोग तुम चुप रहो, जब तुम बोल रहे थे लोग किसी ने बोला नहीं, तुम गद्दार चुप रहो, लोग तुम चुप रहो, बात सुनो, ये लोग 125 करोड़ आदमी को चैलेंज करते हैं, ये सिर्फ भारत एक ऐसा देश है आप जो इनको बर्दाश्त करता है, भूल रहे हैं। और ये कश्मीर में एक लाख लोग मारे गए हैं, ये लोग चाहे वो बर्दी वाले मारे हो, चाहे वो सिविलियंस मारे गए हो, कश्मीर मुद्दे के कारण यहाँ पर एक लाख लोग मारे गए हैं, और
पंडित 4 लाख पंडितों को मारा है, क्या ये कभी बोलते हैं ये जो पंडित बैठे हैं हम कश्मीर को निकाला गया है और नहीं वापस बुला, जब ये कहते हैं हमारे भाई हैं वापस आए हमारे घर के बगल रहे जिससे कि उनका गला अगले दिन काट सके, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग पूरे भारत को खून दिखा रहे हैं, जवाब दो जो मर्जी है कोई क्या समझ रहेगा, ये लोग क्या समझते हैं, नहीं उठाएगा ये लोग थिएटर ही नहीं है, इंसर्जेंट नहीं है, ये लोग गुंडागिरी भी कर रहे हैं और हम 70 ईयर से बात कर रहे हैं। इरफान लोन ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्या आप बोलिए, आपका न तो विश्वास है न ईमान है न यकीन है, आप क्या बात करेंगे। गौरव में आता हूँ, आप जितने पत्थरबाज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, 16 साल का या 12 साल का या 11 साल का आदमी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अगर शबनम लोन मुस्कुरा रही है वो बच्चा नहीं है, मुझे बताइए आप लोग का शर्म आना चाहिए, ठीक है, मेजर गोगोई ने जिसने आपके 200 आदमियों को बचाया वो गोली से शूट कर सकता था, मिनिमम कैजुअल्टी में आपके दर्जन लोग मारे जाते हैं उनके साथ, उसको आप लोगों ने क्या कहा, इरफान लोग पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करते हो, जितने लोग टेलीविजन पर आते हो पूरे हिंदुस्तान के आईन को चैलेंज करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करते हो, अथॉरिटी को चैलेंज करते हो, ये सिर्फ भारत ऐसा देश है, सुनिए भारत ऐसा देश है जो बर्दाश्त कर रहा है और अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा पेशेंस पानी पीजिए, इरफान हफीज नहीं इरफान हफीज लोन मैं आऊंगा आपके पास, आप लगातार बोल रहे हैं, कैप्टन अनिल गौड़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या इन पत्थरबाजों को, मुझे ये बताइए पंजाब में बिंद्रावाला का मेमोरियल बीजेपी वालों ने बनाया, उनसे पूछे गौरव भाटिया जी से, तुमको अक्ल है गौरव भाटिया जी से दिमाग है ना, तुमको कैसे बिंद्रावाला का मेमोरियल पंजाब में बनाया, शबनम लोन देश जानना चाहता है, आपकी हंसी आज शबनम लोन आपकी हंसी चुभ रही है हमारे कलेजे पर खंजर की तरह, बिंद्रावाला का मेमोरियल बीजेपी और अकाली दल ने बनाया, एक मिनट गौरव भाटिया ठीक है ठीक है, एक मिनट गंभीर चर्चा में गौरव भाटिया आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, गौरव भाटिया कैप्टन सुमित जी एक मिनट में चर्चा में आना, भिंडरावाला के बारे में बोले मुझे, भिंडरावाले नहीं हम तो अबू दुजाना के बारे में बोलेंगे, सुन लीजिए आप डिबेट मत करिए डिबेट टॉपिक को, मैं दूंगा लोन भी गौरव भाटिया मेमोरियल इन्होंने ठीक है सुन लेते हैं, सुनिए इतना इंटेंशन मत होइए, दुजाना रेपिस्ट है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो ठीक है, भीड़ था गौरव भाटिया कैप्टन गौड़ में आ रहा हूँ, कैप्टन गौड़ में आ रहा हूँ, गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया 30 सेकंड हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सुमित जी शबनम जी पहले तो वरिष्ठ अधिवक्ता वकील नहीं है, वकील है तो वो करेक्ट करिए, दूसरी बात शबनम जो है हंस रही हैं जब इतनी गंभीर चर्चा हो रही है जवानों के मरने की, बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, इन अलगाववादियों ने पत्थर दे रखे हैं और इनकी सही जगह या तो 72 हूरों के साथ है जहां इनको पहुंचाया जाएगा और या जेल में है जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, लोन जी भी एक वकील है, मैंने अभी पढ़ा, लोन जी आप एमएलए भी हैं, आपने संविधान आपकी एलिजियंस संविधान के साथ है नहीं, अच्छा चलिए वकील तो हैं, वकील तो तब भी है, ये अगर ये वकील हैं तो संविधान में इनकी आस्था भी होगी, अगर संविधान में इसकी आस्था है तो कैसे आप कश्मीर अलग हिस्सा है भारत का ये बात करते हैं,
भारत से तोड़ने की बात कैसे करते हैं जो आपने कहा। चलिए एक मिनट के लिए मैं आपकी बात जी नहीं हिंदुस्तान के संविधान के भीतर कश्मीर का बताइए क्या हाल दे रहे हैं। आप नागरिक वोट जाता है बताइए आप भारत के संविधान में क्या देना चाहते हैं। बंदूक नहीं उठाता है वो नागरिक पत्थर नहीं मारता है। आप मुशर्रफ भारत का नागरिक का दिया हुआ आस्था कोर्ट में रखेगा कानून में रखेगा। आप जैसे लोगों के लिए हमारे मुझे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा और जवान बने हैं जो आपके पत्थर का जवाब गोली मार के देंगे। अगर आप पत्थर उठाएंगे जवानों के लिए अगर आप बंदूकें उठाएंगे तो इतनी गोलियां लगेंगी कि अपने बदन में छेद गिनना मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों एक के ऊपर एक बोल रहे हैं किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही। कैप्टन गौर सॉरी शबनम लोन में आऊंगा। शबनम लोन आपके जो कह रही थी वो आप जो कह रही थी वो इरफान हफीज उनमें बोल दिया। आप सेम बात कर रहे हैं आप लोग। अनिल गौर शबनम जी प्लीज अनिल गौर कैप्टन अनिल गौर ऑन द स्क्रीन शबनम प्लीज लेट मी कंडक्ट दिस। अनिल गौर के पास जाने दीजिए मुझे प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू। अनिल गौर साहब पीडीपी की क्या राय है जो पत्थर मार रहे हैं। हाँ जी जो पत्थर जो गोली चलाने वालों के सेना के काम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो मासूम बच्चे हैं जैसा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं या जैसा कि महबूबा जी ने कहा कि गाठी में पत्थरबाजों को उकसाया जा रहा है कम उम्र के बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए बातचीत एक रास्ता है। भाई ये 15-16 साल के लड़के लड़कियां अगर पत्थर चला रहे हैं तो कौन चलवा रहा है और कौन पकड़ेगा इनको सरकार कौन चला रहा है। ये सवाल आपका क्या था मेरे को कोई समझ नहीं आया आपने क्या इतनी चर्चा में सवाल क्या अच्छा, चलिए मैं आपके लिए मुझे मैं समझ में आ गया मुझे कि आपको क्या चीज समझ में आती है मैं आपके हिसाब से सवाल बना देता हूं आपके उस पर आके। ये बताइए कि सेना के काम में जो बच्चे पत्थर मारकर रुकावट पैदा करते हैं वो आपके लिए हीरो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं लाइफ में कैप्टन गौर। सुमित जी पीडीपी का स्टैंड आपको बड़ा क्लियरली पता है कि वो ये कहते हैं कि ये जो सब जो उकसा रहे हैं चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं चाहे वो पत्थरबाज वाले हैं जो पाकिस्तान से पैसा लेके इन बच्चों को उकसा रहे हैं वो सारे कानून के उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ। नंबर एक ना उनके उनको जो बच्चों को जिनको कलम और दवात के साथ स्कूल में होना चाहिए वो ये लोग पाकिस्तान का पैसा लेके उन बच्चों को गुमराह करके उधर सड़कों पर ले आते हैं शुरू करते हैं वो एक प्रोटेस्ट किसी वजह से और उनको आर्मी कैंप्स की तरफ ले जाते हैं मरने के लिए अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं सिंगापुर में यूएसए में वो उनको हिफाजत से रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कैप्टन गौर आप बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपकी हुकूमत है आपकी वहां और इसलिए आपकी वहां पर रियासत चल रही है आपकी मुख्यमंत्री है हम क्या काम किया आप लोगों ने इन बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए। इसीलिए तो अब आप या तो आप मेरी सुन ले मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अब आप या तो मेरी सुन ले मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कैप्टन गौर आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिए फिर नहीं तो कोई पीडीपी की तकरीर थोड़ी चलेगी यहाँ पर आप आराम से ये सवाल जब आपका सेशन है पौने घंटे से ये सवाल जब आपका सेशन है सबको मौका मिलेगा वो बात है तो ठीक है आप करिए फिर नहीं फिर आप बताइए ना नहीं नहीं आपने क्या किया बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए कितने बच्चे पत्थरबाजी छोड़ चुके हैं जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं देखिए कितने बच्चे आ चुके हैं आज तक जब से आपकी सरकार बनी है मेन स्ट्रीम में आने के लिए देखिए ऐसा है मेन स्ट्रीम में आने के लिए अभी बच्चों को टाइम मिलता है टाइम चाहिए ये तो है नहीं कि जो 70 साल से आप अभी पीछे जो ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जब 87 के रिग्ड इलेक्शन के बाद वो सारा कुछ आप कहेंगे जी ये पीडीपी के सिर पे घड़ा फोड़ेंगे कैसे बोल रहे हैं पीडीपी ने पहली बार सरकार बनाई है 2.5 साल हुए ऐसे बोल रहे हैं पीडीपी ने पहली बार सरकार बनाई है पीडीपी की सरकारें पहले नहीं रही है वाह 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 तो पीडीपी के सरकार बताइए कितनी साल रही है 70 सालों के अंदर आप बता दीजिए मेरे को। गौर साहब मैं कल पैदा नहीं हुआ आप बता दीजिए ना मैं आपको बताता हूं 3 साल पहले मैं आपको बताता हूं हुजूर 5.5 साल है थोड़ा सा सब्र रखिए मैं आपको बताता हूं। सुशील पंडित बोल रहे हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अपनी पूरी सियासी जिंदगी कांग्रेस में बिता के आए
उस कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1987 तक का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर रिक किया था कि नहीं? तब का उनका इतिहास क्या पानी हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में थे कि नहीं? आप मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में थे कि नहीं? पंडित उस रिगिंग की मलाई किसने खाई? यू रीड द हिस्ट्री। उस रिगिंग की मलाई किसने खाई? अब्दुल्ला एंड कांग्रेस, नॉट बाय मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में थे, 60s में थे, 50s में थे, 70s में थे, 80s में थे, क्या बात कर रहे हैं? इट्स अ फैक्ट, कैप्टन गोस्ट। 40 साल कांग्रेस में रहे वो, अंडरस्टैंड? 40 साल कांग्रेस में रहे वो, ये वो रहे। और जब कांग्रेस रिक करती थी चुनाव, जब वो देखते रहे कि कांग्रेस ने बार 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 जब अच्छा इस बात पे छोड़ी कांग्रेस, भूल जाइए, किसी और को बताइएगा। और फारूक कांग्रेस वालों ने इस बात पे छोड़ी क्योंकि कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने उनकी राय के बावजूद, उनके मना करने के बावजूद उसके साथ हाथ मिलाया, इसलिए छोड़ी कांग्रेस उन्होंने। कांग्रेस ने जो जो इलेक्शन रिक किया उसका सीधा फायदा तो सईद साहब को हुआ, मुफ्ती साहब ने उसका फायदा उठाया। कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उस कैप्टन गौर, रहने दीजिए, कैप्टन गौर, कैप्टन गौर, आप इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मैं आऊंगा, आप उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उसको डिफेंड करना आपका काम है, पर फैक्ट के साथ डिफेंड करिए ना। आप गलत फैक्ट के साथ डिफेंड कर रहे हैं कैप्टन गौर। प्लीज प्लीज करेक्ट योर फैक्ट। देश को बताया महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद कहां थे। शबनम लोन में आऊंगा, शबनम लोन भी इंटरव्यू करना चाह रही है, गौरव भाटे भी इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मैं जब देखिए अनिल गौर, जब मैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल कांग्रेस छोड़ के चले गए। और किस लिए छोड़ के गए? क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया था। किसके लिए छोड़ के गए? क्योंकि ये फिर बाद में कांग्रेस वाले फिर उसी फैमिली को। अरे तो भाई कैप्टन गौर, कैप्टन गौर, अगर आपको कैप्टन गौर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो 2004 में यूपीए की सरकार को पीडीपी क्यों मदद कर रही थी? क्यों अलायंस बना आप लोगों का? क्यों महबूबा मुफ्ती दिल्ली में पीडी यूपीए के साथ बैठती थी संसद में? ये फैक्ट नहीं है क्या? दुनिया जानती है इस बात को। डोंट मिसलीड ऑडियंस। ये फैक्ट पे बात करिए कैप्टन गौर। अरे गौरव भाटिया, मैं आऊंगा, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और डिबेट को वापस पत्थरबाजों पर लेके आएंगे, जैसे ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा कह रहे हैं, अब जवान पत्थर नहीं खाएंगे, पत्थर कोई मारेगा तो वो गोली खाने को तैयार रहे। रास्ता बिल्कुल साफ हो रहा है। डिबेट को आगे बढ़ाओ, आखिरी सेगमेंट का वक्त है, लेकिन उसके पहले नजरिए देख लेते हैं कि क्या कश्मीर में जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को आतंकी माना जाए। 97% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल पर भी ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। 93% मैक्सिमम लोग जो इस डिबेट को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जो पत्थर बरसा रहा है वो आतंकी है, उसको आतंकवादी माना जाना चाहिए। सुशील पंडित, आपको मैंने अभी तक ओपनिंग कमेंट्स ही नहीं हो पाए आपके, मैं आपके पास जरूर आना चाहूंगा आखिर में। महर्षि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर जी। इसमें कोई किसी को शक नहीं, इतिहास गवाह इस बात का, उनके मंदिर है वहां पे, शिवालय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं, एक मिनट इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन, प्लीज डिटेल मत करिए, आप डिटेल मत करिए। कश्यप का नाम ले लिया, इनको मिर्च लग गई। और महर्षि कश्यप क्यों मिर्च लगी? कश्यप का नाम लिया, महर्षि कश्यप का नाम लिया तो इन्होंने कुफ्र कर दिया। लोन तुमको क्यों मिर्च लगी? इन्होंने कुफ्र कर दिया। शबनम, शबनम में आ रहा, शबनम जी मारो, ब्रिगेडियर साहब कश्यप का नाम लिया और तुमको ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ब्रिगेडियर साहब आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए ब्रिगेडियर साहब प्लीज। लोन्स दोनों लोग इरफान भाई और शबनम लोन, एक मिनट, सुशील पंडित, महर्षि कश्यप की तपोभूमि जिसमें कोई शको शुबा नहीं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसको लेके ये लोग क्यों डिस्प्यूट खड़ा करना चाहते हैं? क्यों इनको आनंद मिलता है हम लोगों को तंग करने में, हम लोग को परेशान करने में? आप जेल में डाल, इसकी एक ही वजह है, विचारधारा को नहीं मान। लोन साहब सुनिए, थोड़ा तवज्जो से सुनिए, लोन साहब सुनिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे मेरे कश्मीरी भाई,
इरफान हफीज लोन जरा तवज्जो, इसके बाद जवाब दीजिएगा। कहना है इरफान भाई आप लगातार बोलेंगे तो मैं ऑडियो कम कर दूंगा, फिर आप नाराज हो जाते हैं, मैं ऑडियो कम करने का इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। प्लीज इरफान भाई, सुशील पंडित बोले फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं पक्का आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित, सुमित भाई ऐसा है कि इसी में एक और जवाब छुपा है कि ये पत्थरबाज जो बताती है ना शबनम जी के पीढ़ी जो है वो बंदूकें और बारूद देखती हुई बड़ी हुई है, उसका जवाब भी इसी सवाल में है। इस पीढ़ी ने भी और पिछली तीन पीढ़ियों ने 1947 के बाद भारत को कश्मीर में केवल पुचकारते सहलाते और घुटने टेकते देखा है, जिस जिसने गाली दी है उस पर पैसा फेंकते देखा है, इन्होंने हजरत बल में बंद आतंकवादियों को बिरयानी खाते देखा है और फिर सेफ पैसेज में निकलते देखा है, इन्होंने आतंकवादियों को रुबिया सईद को अगवा करके फिर अपने 5 गुंडों को छुड़वाते देखा है, इन्होंने भारत को हमेशा वहां एक बहुत सॉफ्ट स्टेट की तरह से देखा है, और इनको लगता है कि जितनी लात मारोगे भारत उतना पैसा उगलेगा, भारत उतनी सुविधाएं उगलेगा, भारत और उतना नरम पड़ेगा। ऐसा देश इनको दुनिया में और कहीं नहीं दिखता, और इसके ऊपर ये नाशुक्रे फिर लात चलाते हैं, फिर गाली फेंकते हैं, और हमारे सैनिकों को आपने वो वीडियो देखा होगा, सीआरपीएफ के लोग बंदूक हथियार बंद लोग हेलमेट उनकी किस तरह लात मारी गई, किस तरह उन पर गालियां बरसाई गई, किस तरह उनको बिल्कुल किया गया। दुनिया में कहीं सैनिक हथियार बंद सैनिक इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करता है। मैंने इन्हीं सैनिकों को छाती तक पहुंचे पानी में डूबे हुए हेलमेट और बंदूक टांगकर इन लोगों को बाढ़ से बचाते देखा है। देखिए कभी भी इस तरह के इवैक्यूएशन में प्राकृतिक आपदा में सैनिक हथियार नहीं रखता, हेलमेट नहीं रखता, आप उसका वजन जानते हैं, वो बैटल रेडी होने के बावजूद इन लोगों को छाती तक डूबे पानी में नाव से बचा कर आने वाला सैनिक उसको ह्यूमिलिएट। शबनम लोन, एक भी बात सुशील पंडित ने गलत कही क्या, बताइए मुझे, इट्स ऑल फैक्ट। शबनम लोन, अवस्थी जी मैं सब बातें सुन रही हूँ। अवस्थी जी देखिए, आप एक बहुत बड़ी न्यूज चैनल के एंकर हैं, और शायद मैं आपको याद दिलाऊं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सुशील पंडित और ये गारव भाटिया और ये जो ये मिश्रा साहब हैं, आप इनकी तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप पे सिर्फ भारत के लोग नहीं देख रहे हैं, आपको यहाँ की पीढ़ी भी देख रही है। हमसे भारत से ज्यादा बैलेंस, शबनम जी ज्यादा मतलब आप मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ब्रिगेडियर साहब वो मुझे मेरा काम सिखा रही है, जैसे मैं अपना काम भूल गया हूँ। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, शी इज अटैकिंग मी, डोंट टेक इट पर्सनल। शबनम आप फ्री है मुझे अटैक करने के लिए, मैंने पहले सेगमेंट में कहा कि मैं शबनम लोन को अपना मानता हूँ। दिक्कत है कि कश्मीर के लोग सुमित अवस्थी को अपना नहीं मानते हैं, दुश्मन मानते हैं हमको, आप पत्थर मारते हैं हम लोगों पर। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, ये गारव भाटिया बीजेपी के बाकी प्रवक्ताओं की तरफ बहुत पर्सनल अटैक करा। गारो ठीक कहा तुमने, मैं वरिष्ठ वकील नहीं हूं, क्योंकि वो अपना जमीर बेच चुके हैं। मुलायम सिंह ने तुमको पाला, अब फिर पर्सनल हो गया, मोदी साहब के पैरों में। अब आप फिर पर्सनल हो गए, आप गारो भाटिया के पास देखो, तुमको गारो भाटिया के पास चले गए, आप सुशील पंडित की बात कर रहे हो, आप दीजिए ना, घटिया चर्चा मत करिए, मैं सिर से आपसे सवाल करता हूँ। बुरहान वानी आपका हीरो है, हम लोगों का हीरो अयूब पंडित है, कैप्टन विक्रम बत्रा है, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, आप एक घटिया महिला है। लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है भाई, मेरा परसों आप आएंगे तो सज्जाद और बिलाल के चक्कर में गिरने लगे। अगर कोई दल बदलू है तो लोन परिवार नहीं है क्या? लोन परिवार में क्या हो रहा है आज की तारीख में? लोन परिवार में क्या हो रहा है आज की तारीख में? एक सत्ता के साथ बैठा है, एक हुर्रियत के साथ बैठा है, और एक यहाँ बैठ के डिबेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है शबनम लोन? आप मेरे को सुशील पंडित की बात का जवाब देंगे कि मैं इरफान के पास जाऊँ? सुशील पंडित ने इम्पोर्टेंट बातें की, आप जवाब देना चाहेंगी? शुड आई मूव अहेड? मेरे पास टाइम नहीं बचा है। गौरव एक मिनट, लेट अस स्पीक, आखिरी चांस दे रहा हूं। सुशील, तुम जो जहर उगल रहे हो, मैंने कौन सा जहर उगला? हमारी बातों से आपको सच जहर लगता है? सच तो कड़वा लगता है कि जहर हो गया? से नहीं डरते हैं।
ये सच आपके जिहाद के लिए जहर है, ये सच आपकी उस पीढ़ी के लिए अमृत है जिनको आपने बदला के रखा है, अपने होश में ये सच आपको उन पीढ़ी की को डिटॉक्स करने के लिए है जिनको आपने अफीम का नशा चटाया हुआ है जिहाद का, आपने अपनी पूरी पीढ़ी बरगला के रखी है। मुफ्ती की बेटी जिसने आतंकी छोड़े, पूरी पीढ़ी बरगला के रखी है, उन बच्चों पर रहम करो जिनके हाथ में आप पत्थर पकड़ा कर उनको बंकर्स के सामने भेज देते हो। शबनम जी और इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन समझाइए, इरफान हफीज लोन देश का चला जा रहा है, ये देश और सब्र नहीं करेगा, समझा दीजिए, जिस जिसको मिलते हो समझा देना, सुशील जी देश के सब्र का प्याला भर चुका है, बहुत नुकसान उठाओगे, सुशील जी एक मिनट, बहुत नुकसान उठाओगे, सुशील जी एक मिनट, देखिए इरफान हफीज लोन और शबनम लोन, इरफान हफीज लोन शबनम लोन में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के आईन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे भी आपके इंटेंशन पर डाउट नहीं है, कम से कम इस मामले में कि आप आईन को मानते हैं। एक मिनट इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन कैन यू लिसन टू मी, इरफान हफीज लोन प्लीज सुन ले, मैं आपके लिए कंस्ट्रक्टिव आइडिया लेके आया हूँ, इरफान हफीज लोन मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, इनका ऑडियो हटा दीजिए, इरफान हफीज लोन का ऑडियो कम करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, इरफान शबनम एक मिनट, लिसन टू मी और यहाँ पर पीडीपी भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, आप चार ऐसे लोग और कश्मीरी पंडित भी बैठे हुए हैं, सुशील पंडित, हम सब मिलके इन बच्चों के हाथों में, जिनके हाथों में आज पत्थर है, किताबें नहीं दे सकते, कलम नहीं दे सकते, ये किसके ऊपर लानत है, ये किसके ऊपर लानत है कि इन बच्चे आज पत्थर लेके घूम रहे हैं, क्या हम सब का दायित्व नहीं बनता, इरफान हफीज लोन जो वहां पे रहते हैं, जो इस पीढ़ी को देख रहे हैं, जो इस पीढ़ी को बर्बाद होते देख रहे हैं और रोज घंटे पर डिबेट करेंगे, इसको इनको संभालना किसका काम है, सुमित जी इसलिए हो रहा है, कश्मीर में पूरे भारत में पूरी शांति होगी, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर शांति हो तो कश्मीर को सुन जाइए, ये हकीकत आप मानिए, कश्मीर एक मुद्दा है और इसे सुन जाइए, आप देश को गुमराह ना करें, और वो पढ़ने लगेंगे तो बच्चे नहीं रह जाएंगे, ये इनकी परिभाषा यहाँ पर, और इनको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान इरफान हफीज लोन किसी भी मुद्दे पर बच्चों की बलि देना बंद करो, ये शोभा नहीं देता, ये ईमानदारी नहीं है, की लड़ाई आप बच्चों की कीमत पर अपने मुद्दे ढूंढाएं, आप बच्चों की कीमत पर अपना आंदोलन चलाएं, उनको किताब नहीं तो एक फुटबॉल दो, लेकिन उनका जीवन उनका बचपन इस तरह मत बर्बाद करो, इरफान हफीज लोन सब ट्रैक हो गया है, कुछ शर्म करो, एवरीथिंग इज बीन ट्रैक्ड, एनआईए ने निकाल लिए हैं वो 40-50 लोगों के नाम और ये घरों तक जा रहे हैं, अरे कौन चाहेगा अपने घर के बच्चे का जीवन बर्बाद करना, गौरव भाटिया लोग जो भारत देश के, अरे भाई मेरे इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन क्या महर्षि कश्यप की तपोभूमि नहीं है, क्या श्रीनगर में मंदिर नहीं है, क्या श्रीनगर में पंडित नहीं रहते थे, ये फैक्ट नहीं है, ये सब क्यों खराब हुआ और क्यों नहीं ठीक हो रहा है, दिक्कत इस बात को लेकर है। गौरव भाटिया में लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, आखिर में गौरव भाटिया आपकी सरकार दोनों जगह पर है, जिम्मेदारी अगर किसी की सबसे ज्यादा बनती है तो वह आपकी पार्टी की बनती है, आपकी सरकारों की बनती है, कब तक और कितने दिन सहना पड़ेगा हमारी सेना को, हमारे शूरवीरों को इस तरह की गोली, इस तरह की पत्थरबाजी, गौरव भाटिया लास्ट कमेंट। सुमित जी मैं उम्मीद करूंगा इंटरप्ट नहीं किया जाऊंगा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कार्रवाई चल रही है वो जमाने चले गए कि सेपरेटिस्ट को रुपया दी जाए, चॉकलेट दी जाए, अगर एक पत्थर मारेंगे तो गोलियां इतनी मारी जाएंगी कि अपने छेद नहीं गिन पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के हक की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं उन बच्चों की कौन बात करेगा जिन्होंने अपना पिता खोया है, बिल्कुल उन्हीं के लिए मैं कहता हूं कि संविधान के तहत चले, देश जोड़ने की बात करें, देश को तोड़ने की बात नहीं करें, वरना जब ये सेपरेटिस्ट अरेस्ट हुए तो 10 आदमी नहीं आए प्रोटेस्ट करने, 10 आदमी नहीं आए प्रोटेस्ट करने, पाकिस्तान के आई होप मैं आखिर में यही कमेंट करना चाहूंगा, आप तमाम लोगों को शुक्रिया करते हुए,
कि देश का मूड बहुत साफ हो चुका है कि अब और सहन नहीं होगा। 70 साल हो गए, पोल भी यही कह रहा है कि जो पत्थर मारे वो आतंकी घोषित होना चाहिए। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया और इस कार्यक्रम को वाइंड अप करते हुए कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी।